कैमूर के भभुआ में विश्व दिव्यांग दिवस पर भाकपा माले ने जिला मुख्यालय के बाहर दिया धरना, दिव्यांगों की स्थिति सुधारने के लिए की नारेबाजी। आज विश्व विकलांगता दिवस है और हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग यहाँ उनके विकलांगों के समर्थन में यहाँ आए हैं। आप देख लीजिए, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो बराबरी का दावा करती है। जिन कुष्ठ रोगियों से कोई समाज का कोई व्यक्ति मिलना नहीं चाहता है, हम उनके साथ बैठकर उनकी मांगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर भभुआ में चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। डीएम के आदेश पर बिना मास्क के बाहर निकलने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। जांच कोरोना महामारी को देखते हुए और हमारे वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार सभी वाहन चालक, ई रिक्शा, बाइक वालों को मास्क शुल्क काटा जा रहा है 50 रुपया, और उनको मास्क वितरण किया जा रहा है। और यहाँ पे घूमने वाले जनता को भी जागरूक किया जा रहा है कि आप लोग कृपया करके मास्क लगा के ही चलें। कैमूर के भभुआ में पहुंची राजधानी पटना की विशेष कृषि विभाग की टीम, किसानों को पराली ना जलाने को लेकर जागरूक करने में जुटी टीम। सर्वप्रथम तो हम किसान, जितने किसान भाई हमारे कैमूर जिला के, हम सभी से अनुरोध करेंगे, निवेदन करेंगे कि खेतों में फसल और शेष को जलाएं नहीं। उससे जलाने से इतना बड़ा नुकसान है, एक तो पर्यावरण का नुकसान है, दूसरी का जमीन में जितने भी है उपजाऊ मित्र हैं जो फसल के उत्पादन में सहयोग करते हैं, उनका विनाश हो जाता है, मिट्टी कड़ी हो जाती है और उसका कभी भी रिकवर नहीं होता है। रोहतास के काराकाट से डबल मर्डर की खबर आई सामने, आसपास के इलाकों में मची खलबली, वहीं मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। मसौढ़ी में जाम से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान, इस दौरान में फुटपाथ पर बनी दुकानों को किया गया क्षतिग्रस्त। सुपौल जिले में सज धज कर तैयार हुआ रामपुर, बॉलीवुड सिंगर शब्बीर कुमार कल देंगे रंगारंग प्रस्तुति। छबरा से गरखा प्रखंड में दिखा अजीबोगरीब नजारा, माध्यमिक विद्यालय के परिसर में पौधे से उगे 5 फूल गोभी, इस दुर्लभ नजारे को देखने के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़।